सर आपका स्वागत है। मैं सारे भोजपुरी दर्शकों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बिट्टू जी आज क्या यहाँ चल रहा है? मेरे को पहले तो मैं प्रोड्यूसर का धन्यवाद करता हूँ अनिल कावरा जी और प्रदीप भैया का, फरोज खान डायरेक्टर ने जिन्हें मेरे को इस काबल पर समझा और मेरे को शूटिंग में बुलाया रोल के लिए। बहुत अच्छा रोल दिया, इधर आके तो दिल खुश हो गया। कम से कम 600 आदमी का करोड़ है। मैं भी प्रोड्यूसर हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर बॉम्बे बिहार का हूँ। इससे बड़ा मैंने करोड़ कभी देखा नहीं, इतना माहौल अच्छा कभी नहीं देखा। लग रहा है कि पिक्चर है सुपर डुपर हिट होना चाहिए। आज क्या सीन चल रहा है? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इतना करोड़ है कि दिल खुश हो गया है। दोनों तरफ से इतना हो रहा है कि पूछिए मत। आपने इससे पहले कहीं किसी फिल्म में काम किया है? आज तक मैंने किसी पिक्चर में काम नहीं किया। तो आगे फिर किसी पिक्चर में नजर आएंगे? नहीं, नजर नहीं, खुद की 2-3 पिक्चर बनाने का मूड चल रहा है। मार्च के बाद प्लानिंग चल रही है, वो करेंगे। अच्छा, ऐसा सुनने में आएगा कुछ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बॉम्बे में? मैं अभी इस बार नगर सेवक का चुनाव लड़ रहा हूँ। नगर सेवक के चुनाव के बाद ही मैं पिक्चर प्रोडक्शन चालू कर रहा हूँ। पहले पिक्चर मेरा नरुआ रिक्शा वाला आई लव जो आई थी, उसके बाद मैं दोबारा फिर बनाने जा रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन मेरा फॉर्म में होली से चालू हो जाएगा और होली के बाद में मेरा प्रोडक्शन का काम चालू कर। 2-3 पिक्चर अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे, इसके लिए बताना चाहता हूँ। बिट्टू जी आपको दर्शक वोट क्यों दे? वोट देंगे कि मेरे को भोजपुरी समाज से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा नेता तो नहीं हूँ लेकिन दुनिया की दुख तकलीफ जानता हूँ। उस हिसाब से लोगों को मेरे पर प्यार भी है कि एक अपने जमीन से जुड़ा आदमी है और नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे को लोग सहयोग दिल खोल के कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या उद्देश्य है, पब्लिक को क्या देने वाले हैं आप? पब्लिक को ही होती है कि नगर सेवा का काम इतना ही होता है, गटर का सुविधा होना, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, यही सब होता है। जो पब्लिक की छोटी मोटी तकलीफें होती हैं दूर करने के लिए होते हैं। तो और क्या क्या तैयारियां करके रखा चुनाव के लिए? तैयार करिए तो बहुत अच्छी किया है, पब्लिक का बहुत ज़्यादा सहयोग है। कम से कम इस हमारे एरिया के अंदर 40% 50% युवा लड़के मेरे साथ में हैं, जो फुल सहयोग के साथ में बिट्टू भाई आगे आएंगे तो हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे। आपका ये चुनाव बहुत कंपटीशन भरा है। आपको डर नहीं लगता उन लोगों से? नहीं, कोई सरदार का भी डरता नहीं है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, डरता सरदार को थोड़ा डरते। कभी उन लोगों के लड़ने की ताकत होती है कि सच के ऊपर चलने के सरदार का काम होता है। जब मैं जीत के आया तो मैं अपने मरोल पाइपलाइन के अंदर ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा कि जो हर हीरो हीरोइन हमारे उधर आके जाए और मेरे एरिया के जो लड़के काम कर सके उनको काम मिल सके। बिट्टू जी दर्शक या पब्लिक आप वोट क्यों दे, आप क्या करेंगे उनके लिए? पब्लिक के लिए सब कुछ करेंगे, उनके घर का मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है हल करेंगे हम लोग। भगवान ऐसा तो सभी नेता बोलते हैं। सब में हम नेता नहीं है, हम पब्लिक के अंदर में, वो पब्लिक के अंदर ही रहता हूँ। नेता बाहर से आते हैं, हम भाषण ही नहीं दे रहे कि कर दें वो कर दें। हम बोलते हैं जब जीत के आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम वो दूर करेंगे। और आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी यही है, बस पब्लिक सहयोग करे, जीत के फिर देखे चेंज लाइए। हमारा एक नगर से 15 साल से जीतता रहा, कुछ नहीं कर रहा। बीजेपी के पूरे देश में डंका बज रहा है, आपको लगता है कि आप उसके सामने? नहीं, बीजेपी की जितनी वोट आएगी उससे हमारी ज़्यादा वोट रहेगी। हम जीतने के 99% जीत चुके हैं, पब्लिक का इतना बड़ा सहयोग और अब तक किसी कैंडिडेट को इतना सहयोग नहीं है। सेलिब्रिटीज बहुत धन्यवाद, आपके जीत पक्की हो। थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, हाथ जोड़।